So now I have puncture protection on my e-Meraki. Welcome back to channel and thanks for tuning back to my channel, that is Sagar's Life, our channel name. So in this video I'm going to make my new e-Meraki cycles tires puncture proof. जी हाँ, as you guys are my old subscribers, they are aware मैंने मेरी कार के टायर्स, मेरे जिक्सर के टायर्स, मेरे आरआर थ्रेटर के टायर्स सबको पंक्चर प्रूफ कर दिया है by using पंक्चर लिक्विड inside it. अगर आप लोगों ने नहीं देखा रहा तो उसके वीडियोस अभी आई बटन में आ रहेगी, यू गाइस कैन चेक इट आउट कैसे अपने बाइक के टायर्स को आप पंक्चर प्रूफ कर सकते हो. सेम सॉल्यूशन आई वाज सर्चिंग फॉर माय साइकिल आल्सो, बिकॉज जब भी मैंने साइकिल सिटी में चलाई है ऑन हाईवेज, एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है, जब भी मैं लेफ्ट साइड से चलाता हूँ या राइट साइड से चलाता हूँ, मोस्ट प्रिफरली मैं प्रीफर करता हूँ कि लेफ्ट साइड से चलाना, जब भी रोड खत्म होता है उस जगह पे जो एरिया रहता है वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल स्टोल्स पड़े रहते हैं, जो डस्ट रहती है वो सब रोड की वहाँ पे आ जाती रहती है. जब भी रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो रहता है तो उसके ग्लास के मिरर के छोटे छोटे जो शार्प पार्टिकल्स वहाँ पे बैठे रहते हैं और नेल्स भी वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किए. सो 100% चांसेस है अगर मेरी साइकिल के टायर उसके ऊपर से जाते हैं तो पंक्चर होने के 100% चांसेस है. सो दैट्स व्हाई आई वाज सर्चिंग फॉर द सॉलिड प्रूफ सॉल्यूशन फॉर द सेम. सो सेम जस्ट लाइक अ बाइक मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, वहाँ पे लिक्विड्स अवेलेबल है बट वो 100% सॉल्यूशन नहीं देते. सो दैट्स व्हाई आई वाज सर्चिंग फॉर अनदर सॉल्यूशन, देन आई थॉट अबाउट द डीकैथलॉन. सो जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि मैं इंपीरियल साइकिल सेंटर घाटकोपर में विजिट किया था फॉर चेंजिंग अवर एक्सेलरेटर, वो वीडियो भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन बाइंग e-Meraki, उसकी लिंक अभी आई बट में आई रहेगी, यू गाइस कैन चेक इट आउट. सो जब विजिट किया था वहीं पे 500 मीटर्स आगे आरसीटी मॉल, उस मॉल के अंदर डीकैथलॉन का शॉप है, वहाँ पे विजिट करने के बाद मुझको ये प्रोडक्ट मिला. सो जी हाँ, ये है 1x ऑटो रिपेयर ऑफ साइकिल टायर्स. इसकी साइज भी डिपेंड है, अभी हमारे टायर्स की साइज है 27.5 inches, दैट्स व्हाई इसकी ट्यूब 27.5 और आगे के एरिया भी इसके अंदर मेंशन किए हुए हैं. यू गाइस कैन सी 1.7 to 2.2 Meraki की जो आगे के पीछे के जो दोनों टायर्स है उसकी स्पेसिफिकेशन है 27.5 2.0. दिस इज अ वेरी फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग समथिंग लाइक दिस ऑन साइकिल टायर. देखते हैं एज दिस वन फ्रॉम डीकैथलॉन, सो ट्रस्टेड ब्रांड है और यहाँ पे जैसे कि आप इमेज देख सकते हो लिक्विड वाला एरिया दिया गया है. जी हाँ, साइड वाले वॉल के एरिया पे अगर आप कोई भी नेल जाती है तो पंक्चर रिपेयर नहीं होता है. सेम अप्लाइज फॉर कार और मोटरसाइकिल ऑल्सो. सो जब भी कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे तो उसको ऑटो रिपेयर करेगा, इसके अंदर मेंशन किया हुआ है और इसके अंदर लिक्विड भी दिया गया है. ऑल्सो दिस ट्यूब्स कम्स विद प्रेस्टा वॉल, यहाँ पे देख सकते हो, ओपन करके वीडियो का भी दिखाई दूंगा. सो करंटली अपने जो वॉल है वो नॉर्मल वाले हैं और इसके अंदर आ जाता है प्रेस्टा वॉल. थैंक गॉड कि जो मैंने हाइब्रिड हैंड पंप लिया उसके अंदर प्रेस्टा वॉल का भी ऑप्शन है और ये नॉर्मल वॉल्स जो रहते हैं वो भी ऑप्शन है. सो अपना हाइब्रिड हैंड पंप काम में आएगा फॉर फिलिंग अप एयर इनसाइड इट. जब भी मैंने आरसीटी मॉल विजिट किया था वहाँ पे प्रमोशन ऑफर चालू रही थी, सो इसकी कॉस्ट वहाँ पे थी 699 बट मुझे मिला 299 थैंक्स टू प्रमोशन ऑफर. जब मैंने विजिट किया उसी दिन ये प्रमोशन ऑफर चालू थी. ऑल्सो फ्रॉम 1st of March मैंने ऑब्जर्व किया डीकैथलॉन के बहुत सारी चीज़ों की प्राइस बढ़ गई है, अपना हैंड पंप, साइकिल लॉक. तो 199 का लॉक था वो 249 रुपीज़ हो गया है. अपनी जो Meraki है उसका आगे का टायर क्विक रिमूव हो जाता है, सो वो बेनिफिट अभी मुझको मिल गया है while taking my e-Meraki into lift. तो उसका एक छोटा सा क्लिप अभी आपको दिखा देता हूँ. तो ये देख लीजिए हमारा जुगाड़. This is the also way you can put your cycle or e-bike in your lift. बस एक ही होना चाहिए, आपके फ्रंट व्हील को क्विक रिलीज होना चाहिए, तो उसके साथ ये सॉल्यूशन आप फॉलो कर सकते हो. सो जी हाँ, दैट क्विक रिलीजर मेक्स माई लाइफ वेरी इजी वाइल कैरिंग माई साइकिल फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू 5th floor. ऐसे में कैरी कर रहा हूँ. चलो नाउ लेट्स गेट अवर साइकिल ओवर हियर एंड स्टार्ट दिस प्रोसेस. ऑल्सो दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग सच अ काइंड ऑफ थिंग ऑन साइकिल. अपनी बाइक के ऊपर से तो बहुत सारी मेजर मेजर एक्टिविटी की है हमने, बट साइकिल के ऊपर वेरी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत डर लग रहा है. नो वरीज, अपनी साइकिल है, अपने टायर है, अपना ही घर है. सो लेट्स स्टार्ट.
this process. So guys, as you can see, I have connected my hybrid hand air pump via Presta wall. So अब इसके अंदर हवा भर के चेक कर लेते हैं भले इसके कि उसके अंदर लीक है कि नहीं. So friends, हमने अपनी ये लिक्विड वाली ट्यूब फिलअप कर ली है एयर इसके अंदर. सो अभी इस टब के अंदर चेक कर लेते हैं वेदर इसके अंदर कुछ लीक है या नहीं है, दैट मीन यानी पंक्चर है कि नहीं. अगर इसके अंदर पंक्चर रहेगा तो यहाँ से बबल आने को चालू हो जाएंगे. That's it. Complete tube अपनी चेक करके हो गई है, इसके अंदर कोई पंक्चर नहीं है. So friends, ये अपनी दूसरी वाली ट्यूब है तो उसको भी चेक कर लेता हूँ. That's it. तो अपनी ये ट्यूब भी पंक्चर फ्री है. As you can see, we have the quick releaser. जस्ट इसको नीचे की तरफ पुश कर दीजिए. That's it. अभी अपना आगे का टायर इजिली रिमूव हो जाएगा. Let me show you. Quick release को रिलीज करने के बाद साइकिल को ऊपर की तरफ पुश कर लीजिए. That's it. As it is, you can see our front tire easily got removed. Last time when I was visit the Decathlon, I also purchased this tire removal tool. Very handy, 3-piece aa jata hai. So isse aap easily apne cylinder ka tire remove kar sakte hai. So is pry tool ko side se insert kar karke aage ke tire ko remove kar denge. But before that, let's deflate. So abhi completely tire ki hawa remove ho gayi hai. Ye dekh lijiye aap. Even I am also using it very first time. So देखते हैं कितना user friendly है device. ये यहाँ पे shape दिया हुआ है curve. So we have to insert in this way. ये आ गया एक side से बाहर. यहाँ पे कुछ grip नहीं है normal tire के अंदर. यहाँ पे grips रही थी ताकि ये wall यहाँ से हिले नहीं, but यहाँ पे हमको provide नहीं की गई है. जैसे कि हमने टायर रिमूव कर लिया है, वैसे तो हमारी जस्ट 1 month ओल्ड बाइसिकल है, फिर भी इसके अंदर कुछ स्मॉल स्मॉल स्टोन के पार्टिकल्स रहते हैं जो इन फ्यूचर टायर को पंक्चर कर सकते हैं. सो उसको क्लीन कर लीजिए. सो फ्रेंड्स, आप अंदर का एरिया देख सकते हो. यहाँ पे रबर का लेयर दिया हुआ है एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ तक. नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्रेस्टा वॉल लिक्विड ट्यूब. इसके डस्ट कैप रिमूव कर देता हूँ. यहाँ से अंदर पुश कर लेते हैं हम. मेक श्योर ये कभी भी वॉल बाहर की तरफ आएगा तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए जैसे अपना स्टॉक था, नैदर ऐसे टेढ़ा नहीं होना चाहिए. अभी मैं धीरे धीरे से स्टार्ट करता हूँ इस टायर को अंदर की तरफ इंस्टॉल करने के लिए. मेक श्योर ट्यूब अंदर की तरफ नहीं फंसनी चाहिए. आपको दिखा देता हूँ. ये देखिए हमारी ट्यूब अंदर की तरफ बैठ चुकी है. सो ऊपर वाले टायर के बीच में नहीं आ रही है. अभी आप देख सकते हो इतना स्ट्रेच है, बहुत टाइट हो जाता है. तो इसको प्यार से मैट टूल से अंदर की तरफ पुश कर लेंगे. अपना ऊपर का टायर परफेक्टली बैठ चुका है. सो नाउ we will start filling up the air inside this tube. This is the Presta 60mm valve. So इसके अंदर हवा भरने के लिए आपको, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ब्रास का कैप रहता है, उसको आप लूज़ कर लीजिए. ऐसे जितनी लूज़ होके उतनी लूज़ कर लीजिए. और उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी हैंड पंप रहेगा या टायर इन्फ्लेटर रहेगा आप कनेक्ट कर सकते हो. तो ये है अपना हाइब्रिड एयर पम्प. इसका वीडियो भी अपने चैनल के ऊपर है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा रहता उसकी लिंक अभी आई बटन में आई रहेगी. यू गाइस कैन चेक इट आउट. सो यहाँ पे इसको दो वॉल दिए गए रहते हैं. ये है प्रेस्टा वन एंड दिस इज द नॉर्मल शेडर वन. सो प्रेस्टा वॉल यूज करने वाले यहाँ पे. सो इसको ऐसे यहाँ पे कनेक्ट करना है और घुमा लीजिए. देख सकते हो जैसे जैसे हवा अंदर की तरफ भर रही है टायर हिल रहा है. चेक कर लेते हैं. ये रिमूव कर दिया. अभी इस वॉल को टाइट कर लेता हूँ ऐसे घुमा के. इसकी डस्ट कैप भी लगा देता हूँ. अभी आप देख सकते हो इसके टायर के अंदर की हवा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेम प्रोसेस ऑन आवर रियर टायर. कैप की रिमूव कर ली, कंप्लीटली हवा रिमूव हो गई है. स्प्राइट को यहाँ से
लॉक भी कर सकते हो अपना वॉल यहाँ पे, तो वॉल को प्यार से अंदर की तरफ पुश कर लीजिए, फिर ये वॉल बाहर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी, हमने ट्यूब तो बाहर रिमूव कर दी थी, बट इस ट्यूब को कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए हमको व्हील तो रिमूव करना ही पड़ेगा ही। तो फॉर रिमूविंग द रियर टायर 19 नंबर का स्पैनर यूज़ होता है। ये बोल्ट रिमूव कर देंगे, उसके बाद टायर बाहर की तरफ आ जाएगा। मेक श्योर यहाँ पे डिस्क ब्रेक भी है, तो डिस्क में से प्रॉपरली रिमूव करना है हमको। आई विल शो यू हाउ टू डू दैट। वाइसर भी है। नाउ सेम स्क्रू वी हैव टू रिमूव फ्रॉम रियर साइड टू। अभी मैंने साइकिल को उल्टा कर लिया है। एज यू कैन सी वी हैव मोटर वायर ओवर हियर, और उसके ऊपर एक कैप है, सो ऐसी कैप रहती है, उसको रिमूव करके बाजू में कर लीजिए। नाउ लेट्स रिमूव दिस साइड बोल्ट ऑल्सो। इस चेन को हमको यहाँ से उतारना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू रिमूव द टायर। सो हमने चेन भी रिमूव कर लिए। लेट्स टेक दिस टायर आउट। फाइनली आफ्टर लॉट्स ऑफ जुगाड़ वी हैव रिमूव ट्यूब। अब नई वाली ट्यूब डाल देता हूँ अंदर। लेट्स क्लीन टायर फ्रॉम इनर साइड। अभी इस टायर को एक तरफ से अंदर कर लेता हूँ। सो अपनी ट्यूब परफेक्टली अंदर की तरफ बैठ चुकी है, टायर भी दोनों तरफ से बैठ चुका है। अभी जस्ट इस टायर को वापस अपनी जगह पे माउंट कर लेते हैं, बट बिफोर दैट वी हैव टू रिमूव दिस डिस्क ब्रेक यूनिट। आ गया ब्रेक यूनिट बाजू में। ये जो मोटर के वायर है उसको प्यार से घुमा लेता हूँ मैं। सो अभी अपना टायर तो परफेक्टली बैठ चुका है, अभी जस्ट उसके अंदर हवा भर लेता हूँ। सो अपनी हवा भर के हो गई है, इसका भी डस्ट कैप लगा देता हूँ। डस्ट कैप भी लग गया। अभी हमने ब्रेक पैड रिमूव किए थे, उसको अभी इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो नाउ लेट्स इंस्टॉल आवर फ्रंट व्हील। दैट्स इट, ये हो गया। जैसे यहाँ का जो लॉक हम लोगों ने यूज़ कर लिया था उसको वापस टाइट कर लीजिए। That's it, ये टेस्ट हो गया अपना आगे का ब्रेक। Now let's test out our rear brake. So भी अपनी ये मेरा की वॉश भी हो गई है। फ्रेंड दैट्स इट इन दिस वीडियो। आगे वाला टायर रिमूव करके ट्यूब इंस्टॉल करना परफेक्टली ईजी है, बट पीछे वाले टायर के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रेक कैलिपर है उसको रिमूव कर दीजिए, जैसे मैंने बता दिया दो एलन की स्क्रू से। उसके बाद दोनों साइड के नट बोल्ट लूज कर देना। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, इवन आई डोंट नो यार, मैं जब व्लॉग करता तभी इनको इतना क्यों शोर मचाना रहता है। एनीवेज बाजू के दोनों भी स्क्रू रिमूव कर दीजिए, दैट्स इट, टायर इजिली बाहर आ जाएगा। सो आपको चेन भी रिमूव करनी पड़ेगी रियर सॉकेट से, सो टायर इजिली बाहर आ जाएगा। उसके बाद सेम प्रोसेस है। सो नाउ आई एम दैट हैप्पी दैट माई इमरा की इज ऑल्सो पंक्चर प्रूफ जस्ट लाइक माई RR310 एंड जिक्सर। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो फ्रेंड्स। इफ एनी हाउ आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा रहेगा तो आई विल रिक्वेस्ट यू आर डू हिट दैट लाइक बटन। ऑल्सो यू कैन शेयर द सेम विथ योर फ्रेंड्स और एनी ऑफ द कम्युनिटी। ऑल्सो यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टिल नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, देन आई विल रिक्वेस्ट यू आर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि इन फ्यूचर के सेम वीडियो आपको देखने मिल जाएंगे। सो दिस इज सागर साइनिंग ऑफ। ऑलवेज योर हेलमेट, राइड हार्ड, राइड सेफ। सी या।